नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, जब से जेवर में एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ है, एयरपोर्ट का काम बनना शुरू हुआ है दोस्तों, तो वहाँ पर देखा जा रहा है कि भाई जो अन्य जो परियोजनाएं हैं, अन्य जो योजनाएं हैं और जो तरक्की के जो विकल्प हैं, उन पर काम शुरू होता दिखाई दे रहा है। जून में शुरू होगा जेवर में बना बिजली घर। तो जेवर में एक बिजली घर बनना है जो कि जून में शुरू होगा। इसका जो मुआयना किया है विधायक धीरेंद्र सिंह जी ने किया। तो जेवर व आसपास के कई इलाकों की बिजली की समस्या जून से समाप्त हो जाएगी। यहां पर बना 220 केवी क्षमता का बिजली घर जून से आपूर्ति इसमें शुरू कर देगा। इस बिजली घर से 50,000 से अधिक लोगों को आपूर्ति होगी। रविवार को जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश विद्युत ट्रांसमिशन निगम लिमिटेड यानी UPPTCL के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से इसे हर हाल में जून तक शुरू करने के लिए निर्देश दिए। विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि जेवर क्षेत्र में 2019 में 220 केवी का बिजली घर बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया गया था। मुख्यमंत्री ने इसके निर्माण की घोषणा की, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ। बिजली घर के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई तो यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुण सिंह से वार्ता की गई। इसके बाद भूमि उपलब्ध कराई गई। फिलहाल क्षेत्र को बिजली घर की आपूर्ति अलीगढ़ के उसर है वह बुलंद शहर के धरपा से होती है। गर्मी के मौसम में धान की रोपाई आरंभ होने वाली है। इसको देखते हुए UPPTCL के अधिकारी अभियंता पुनीत गुप्ता, अधीक्षण अभियंता रामपाल सिंह, उपखंड अधिकारी देवेंद्र गुप्ता साथ समीक्षा की गई। तो जून से ये शुरू हो जाएगा आप लोगों का जेवर में बना बिजली घर।